बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अब तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो लास्ट वाला व्लॉग जो कि मैंने बनाया था वो तो ठीक नहीं था बना, बिल्कुल ठीक था, बट जब मैंने उसको सारा सेलेक्ट करके एक एक उसके क्लिप्स सारे इकट्ठे कर लिए थे जब मैं वीडियो लगाने लगा था तो उस टाइम मैंने देखा वो ना वीडियो हैंग कर रही थी, तो इसलिए मैंने बहुत कोशिश की थी उसको ना ठीक करने की। एक दो और मैंने सॉफ्टवेयर किए थे उसके मदद से, नहीं बट काम बना उसका। उसके अंदर मैंने बनवाए थे अम्मा जी और मैंने बनाई थी रेसिपी जो कि नेटो का कीमत है, नेटो का वो भी सारा वीडियो जो कि कीमत नहीं जाया हुआ था, वो तो चले खा लिया था, बाकी वो जो कि वीडियो हमारी बिल्कुल ज़ाया हो चुकी थी, वो लगी नहीं थी क्योंकि बार बार वो हैंग कर रही थी वीडियो। तो अभी मैं टाइम हो रहा है जी 4:30 का, तो अभी हम चलते हैं नीचे जाके कबूतरों को तो दाना डालना है। माशाल्लाह ये देखें ठंडी हवा चल रही है, अभी मैं आया था नहा के, तो मुझे तो भाई साहब बहुत सर्दी लग रही है। तो अभी मैं चलता हूँ नीचे, तो आप लोगों को अपने कबूतर भी दिखाते हैं और जाके उधर मिलते हैं। अभी चलते हैं जी नीचे की तरफ, वो सामने बिल्कुल वो है हवेली है, साथ ही इमाम बारगा इस साइड पे है जी माशाल्लाह दरबार शरीफ, ये बिल्कुल सामने दरबार शरीफ है, वो साथ ही खेत हैं, धुंध देखें किससे पड़ चुकी है। ये नीचे नींबू उतार रहे हैं, ये देखें सारा। तो अभी चलते हैं जी नीचे, तो नीचे जाके आपको मिलते हैं जी। अभी मैं जाके सीन में आपको मिलता हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीचे आ गया हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर सीन में। ये देखें मैंने आपको बताया था ना माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं इधर फूल, तो ये फूल लगने शुरू हो गए हैं। तो अभी मैं चलता हूँ, पहले तो लेंगे उसकी चाबी दरवाज़े की, ये सामने लगी है, ये इसको उतार लेते हैं। उस वाले कमरे में पड़ा है दाना उनका कबूतरों का, तो वहाँ से पहले दाना निकाल लेते हैं, दाना निकाल के तो फिर इसको खोल लेते हैं। ये पड़ा हुआ दाना बाजरा, पता चल गया जी उनको हमें दाना मिलने लगा। खोल लेते हैं पहले इसको नीचे से, लग 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 खुल गया जी। ये देखें कैसे अभी दाना, पहले इसको दाना बिखेरते हैं, इसके नीचे मैंने सारा बिखेर दिया। एक अंदर ही रह गया, वो देख रहा मेरे से बाहर नहीं आया जा रहा, आ गया ये देखे। तो अभी मैं इसका पानी डाल लेता हूँ, पहले पानी इसका खोल लेते हैं, थोड़ी देर सर्दी है तो पानी जो के ना थोड़ा ताज़ा पानी फ्रेश आ जाए, ठंडा होता है ना रोटियों के अंदर पहले, तो किधर गया बॉल जिसके अंदर पानी डाल दें, ये बॉल पड़ा इसके अंदर पानी डालते हैं। तो यहाँ से पहाड़ी के अंदर से पानी लेंगे इनका, ये देखें जी पानी कहाँ से आ रहा है, ये देखें चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी इनका पानी मैंने डाल दिया, रात को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि सर्दी है, फिर भाई कहते हैं बाहर निकाल दिया करो।
यहाँ से उतारते हैं कोई अमरूद, लोग बच्चों ने छोड़ा ही नहीं है इधर। वो बिल्कुल लगे हैं ऊपर, दो लगे हैं, ये तो बहुत ही ऊपर लगे हैं, ये तो उतरना ही नहीं है। चाहिए नहीं, रहने दे, कोई बात नहीं। यहाँ पे दिखा रहे हैं बच्चे, बच्चे कह रहा हूँ, बच्चों का जहन में आ गया। ये कबूतर खा रहे हैं जी दाना, ये देखिए चेक करें, वो सामने जी पहाड़ी चल रही है जी, चेक करें आप, पानी आ रहा है इसके अंदर से। अभी इनका काम होने वाला, थोड़ा सा सेन का काम होने वाला। ये भी पहाड़ी है, ये लाइट से चलती है, ये चेक करें जी, माशाल्लाह आर्टिफिशियल जानवर है परिंदे। ये देखें जी कबूतर, ये पता नहीं क्या है। ये देखें जी, ये फूल लग गए माशाल्लाह लगाट के। अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इधर भी फल लग जाएगा थोड़ी देर तक। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये लगा था फूल, वो मौसमियाँ लगी थी। और ये हमारे पैरेट हैं सामने बिल्कुल। ये पौधा देखो, इसको तो ऐसे किसी की नज़र ही लग गई है, बिल्कुल सूख गया। तो अभी इधर सेन का थोड़ा सा काम करवाएंगे, काम होने वाला जी। तो इधर पौधे वगैरह लगवाने हैं, वो लगवाएंगे। दूसरा जो पिछले घर वाला सीन है, वो माशाल्लाह बहुत बड़ा है और सही है। अच्छा ये देखें, उधर बहुत ज़्यादा सीन में लगे हैं जी पौधे वगैरह। ये देखें पानी ऊपर से आ रहा है, ये देखें यहाँ से आता पानी और इधर से नीचे चले जाता है। ये इधर अभी टाइम होने जा रहा है जी कबूतर बंद करने का, इसको बंद करते हैं कबूतरों को। देखें जी अब जाते भी हैं जहाँ तंग करते हैं। ओ तेरी मेहरबानी, तोड़ जो मेरे का चंबैल, तेरी वीडियो बंद ही पी, चलो चलो। ये देखें जी कुछ चले गए हैं, नहीं अच्छे बच्चे हैं। तो पानी फेंक देते हैं अंदर, इधर क्यारी के अंदर। और ये देखें जी शिकार जा रहा, वो बिल्कुल सामने गई है बिल्ली कैट दी। ये इधर रखते हैं हवा वगैरह ना अंदर जाए। चलें जी ये बंद कर दिए, अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, दाने को बंद कर लेते हैं इस पर ढक्कन। तो जी भाई साहब हम अभी नहा के आए थे, तो इतनी कुछ सर्दी लग रही थी, इतनी कुछ सर्दी लग रही थी क्या ही बताएं आपको। तो अभी मैं बैठा हूँ जी हीटर के आगे, अभी पीते हैं चाय और साथ कुछ कोई चीज़ खाते हैं, उसके बाद फिर आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तो भाई साहब जैसे मरासियों को नहीं लगती सर्दी, इस तरह मुझे सर्दी लग रही है। तो इसलिए मैं बैठा हूँ जी हीटर के आगे, तो हीटर मेरे आगे बैठा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे आए कारी साहब, इनसे पढ़ते हैं पहले कुराने पाक, फिर आगे आपको मिलते हैं। ये देखिए पहले स्मोक कैसे पढ़ना शुरू हो गई है, ये बिल्कुल सामने। और ये हमारे कारी साहब हैं, जो कि कारी साहब हमारे को, हमारे कारी साहब को शर्म बहुत आती है कैमरे से। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। ऐसे तो कर साहब लड़के भी शर्म नहीं आती जैसे आपको आ रही है। ये देखें इधर देखें कर साहब। चलें जी अभी चलते हैं अंदर, दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर बैठ के फिर आपको मिलाते हैं अपने कारी साहब के साथ। अभी अजान हो रही है, अजान का वक्फा करते हैं। ये देखें
तो जी मैं अंदर आया हूँ, कारी साहब भी आ चुके हैं। तो कारी साहब तो अभी देख रहे हैं हमारे व्लॉग्स, चेक करें हमारे कारी साहब के काम, व्लॉग्स देख रहे हैं। तो अभी पकड़ते हैं स्पारा, तो फिर आपसे कुरान पाक पढ़ के फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, ऐसे शर्म आ रही है जी जैसे दुल्हन नहीं आती। नहीं नहीं, ऐसे उसको भी नहीं शर्म आती जैसे हमारे कारी साहब को शर्म आ रही है। अभी भी कारी साहब गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने सपारा पढ़ा कुरान पाक पढ़ के। तो मैं जा रहा था ये लाइट चेंज करवाने, लाइट लेने गया था तो लाइट आ गई है लेने, पिन वाली से तो ले गए मैं चूड़ी वाली। तो अभी चेंज करवाने जा रहे हैं दानिश भाई की दुकान पर। ये देखें कैसे स्मोक पड़ी हुई, स्मोक दोनों चेक करें। ये देखें धुआं मेरे मुँह से, ये चेक करें भाई साहब आप, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी 7 का टाइम है 7 बज रहे हैं। तो पहले तो लाइट चेंज करवाते हैं फिर घर चलते हैं। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ जाके उधर दुकान पे जहाँ से ये लिया था लाइट, ये चेंज करवाने। दो ठीक आ गई हैं, एक गलत आ गई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दानिश भाई की दुकान पे हूँ, दानिश भाई से पूछते हैं दानिश अभी चेंज करते हैं। तो जी दानिश भाई के पास में पहुँचे, सलाम अलैकुम दानिश भाई, क्या हाल ठीक हो? तो दानिश भाई हमें लाइट खड़ी सी तो यार चेंज कर दो ये। तो यहाँ से अभी लाइट पड़ी हुई है, ये वाली लाइट चेक कर लेते हैं पहले। ये चूड़ी वाला है, ये अभी चेंज करवाया था, चूड़ी वाले ले के मैं चला गया था। ये पता नहीं कौन सा ये पिन वाला है। तो दानिश भाई से अभी इसको सीज लेते हैं। एल दानिश भाई ओके हो गया, शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दानिश भाई से चेंज करवा लिया लाइट और अभी चलते हैं अपने घर की तरफ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर की तरफ रवाना हो चुका हूँ, तो अभी मैं आपको घर जा कर मिलता हूँ। तो फिर लाइट लगाते हैं फिर देखते हैं। तो मैं घर आ चुका हूँ जी अभी। जी अभी हम लोग आए हैं जी पीछे लाइट लगाने, स्विच ऑन था इसका, देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चल दियो चल दी चल दी चलें जी। लाइट फिर नहीं आ रही, इसका पता नहीं होल्डर का मसला है शायद, लाइट तो नहीं देखे हैं, नहीं चले चलें, इसका भी हल निकालते हैं। ये देखें पीछे मेरा कितने अंधेरा अंधेरा सारा, आगे लाइट है पीछे वाली साइड पे अंधेरा हो गया। इसको पहले ठीक करवाते हैं अभी या खुद कर लेंगे, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है। टाइम हो गया जी 10 बज चुके हैं। तो आप देखें कितनी स्मोक पड़ चुकी है, ये देखें जी, इधर इधर करो, ये सामने बिल्कुल कैसे धुंध पड़ चुकी है, ये चेक करें आप। रात के 10 का टाइम है। तो अभी हम तो अभी मैं आया था छत के ऊपर, तो मैंने बोला आज शुरू भी छत से किया था और ख़त्म भी छत से ही करते हैं। तो मैं अभी छत के ऊपर घूम रहा हूँ, ये देखें आप मेरे ऊपर कैसे स्मोक गिर रही है। ये देखें मेरी ग्लासेस सारी ऊपर गीली हो चुकी है। तो आप लोग भी देखें, ये चेक करें, सामने बिल्कुल सेना खुला, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ये कहाँ चले गया है, अहिए था छुपन मिट्टी तो नहीं खेड़ा ना, इधर आओ बाहर, ओ कितने गए हो, देखो जी कितने बंदर लुके। हाँ जी इब्राहिम भाई आप सुनाएं, कहाँ बिजी रहते हैं आजकल, क्या चल रहा है लाइफ में आपकी? कुछ नहीं। शादी कब करवा रहे हैं? अभी बहुत टाइम है। अभी बहुत टाइम है, और ये बात ना कर यार। बड़ी जल्दी है इसको लड़के को शादी करवाने। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को कर ले जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब,
और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।